गंगा के किनारे एक सांप को पकड़ा और जब गरुड़देव उस सर्प को लेकर श्री गंगा जी के ऊपर उड़ रहे थे, तभी छटपटाते हुए उस सर्प की पूंछ गंगा जी के जल को छू गई और तब उसे उस सर्प योनि से मुक्ति मिल गई और वो मानव योनि को प्राप्त हुआ। देखते ही देखते वो चार भुजाओं वाले मानव में बदल गो, जैसे वैकुंठ के निवासी। श्री गरुड़ देव तो उसे अपना भोजन बनाने वाले थे, पर अब वो उसे सीधे वैकुंठ ले गए। तो क्या श्री गंगा जी के जल में इतना चमत्कार होता है कि एक साधारण से सर्प को वैकुंठ निवासी बना दियो? हाँ शंकरी, यही तो महिमा है। प्रभु श्री शिव शंकर की जटाओं से बहने वाली राजा भागीरथ द्वारा पृथ्वी पर लाई गई श्री गंगा नदी की, जो भी इस पवित्र गंगा नदी में तीन डुबकियां लगातो है, उसका भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल पवित्र बन जाते हैं। जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर जा रहे थे, तब सीता मैया ने भी गंगा जी को प्रणाम करके सबके साथ सुरक्षित लौटने का आशीर्वाद मांगा था। आप सब स्वयं ही सोचो, जिनकी आराधना स्वयं सीता मैया ने की हो, वो गंगा मैया कितनी पवित्र होगी। अब तो मेरे मन में भी गंगा मैया के दर्शन की इच्छा जाग रही है मौसी। कितना अच्छा हो तो ना यदि ये सौभाग्य हम वृंदावन वासियों को भी मिल जाते। हमारे तो भाग्य ही खुल जाते। कान्हा, तुम गंगा जी को सच में या बुलाने वाले हो? पूर्णा मौसी, आपका प्रवचन सुनने के बाद तो मेरा भी मन कर रहा है कि यदि मुझे भी गंगा मैया के दर्शन हो पाते, वो भी दीपावली के दिन, तो बात ही कछु और होती। हे नारायण, हमारी जो इच्छा आज नहीं तो कल पूरी अवश्य करना। यदि आप सब लोग इतना ही उत्साहित हैं गंगा जी के दर्शन के लिए, तो मैं तीर्थ यात्रा की तैयारी करवाता हूं। हम सब शीघ्र ही जाएंगे। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बाबा, मैया तो कल ही गंगा जी में स्नान करना चाहती है दिवाली के अवसर पे। कान्हा, कल की कल तो असंभव है, जे ना हो पाएगो। अपनी मैया की इच्छा पूरी करना हर लल्ला का कर्तव्य होता है ना। मैं कल ही इन्हें गंगा जी के पास ले जाऊंगा। जिस भी गंगा स्नान करना हो, कल सुबह मेरी और मैया के साथ चल पड़ना। चलो ना मैया, विलंब हो रहा है, फिर मुझे गौचरण के लिए भी तो जाना है। कान्हा, जिसे तू गंगा जी समझ रहे हो, वो जमुना जी हैं। मुझे पता है मैया, यमुना जी उधर है और गंगा जी वहाँ पर्वत के पीछे। कान्हा, वहाँ कोई नदी ना है। आप आओ तो सही, मैं लेकर चल रहा हूँ। शीघ्र चलो मैया बाबा, गंगा जी प्रतीक्षा कर रही है। कान्हा, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। जी क्या कर रहे हो? दीपावली का उत्सव है, आप द्वार क्यों बंद कर रहे हो जी? अब जो बंसी को बताया वो आपको भी बताना पड़ेगा क्या? दीपावली के दिन कोई द्वार बंद कर तो है, लक्ष्मी जी कैसे प्रवेश करेंगी? और उनके स्वागत के लिए जो इतना सब करो है मैंने, उसका क्या अर्थ रह जाएगा? समृद्धि की देवी का आशीर्वाद चाहिए कि ना? समझ गई यशोदा, चले। हाँ।
आपके प्रिय आम के पत्ते और गेंदे के फूलों का तोरण लगाकर, आपके पदचिन्ह बनाकर, आपके लिए घर द्वार खुले रखकर, अब आप बताइए देवी, क्या पूजा के समय आप वहां पधार कर उन्हें आशीर्वाद देंगी? मैं वहां अवश्य जाऊंगी प्रभु, किंतु आशीर्वाद देने नहीं, लेने। मैया यशोदा का आशीर्वाद लेने। कान्हा, कान्हा रुक, हमारी प्रतीक्षा तो कर। अरे नाना, मैया को प्रतीक्षा ना करना चाहिए, आप दोनों शीघ्र आओ। कान्हा, जिस ओर जा रहे हैं वहां कोई नदी ना है, केवल पर्वत है। हे गंगा देवी, आप मुझसे मिलने की इच्छुक है और मुझे भी जीव हत्या का पाप धोने के लिए आपके पवित्र जल की आवश्यकता थी। इससे अतिरिक्त मेरे मैया बाबा और सभी वृंदावन वासी भी आपके दर्शन पाने के लिए आतुर है। कृपया हमारे वृंदावन में पधारिए गंगा देवी, कृपया हमारे वृंदावन में पधारिए गंगा देवी, पधारिए गंगा देवी, पधारिए गंगा देवी। जो गंगा मेरी जटाओं से बहती है, आज वही गंगा वृंदावन में बहेगी। जो गंगा मेरी जटाओं से बहती है, आज वही गंगा वृंदावन में बहेगी, आज वही गंगा वृंदावन में बहेगी। प्रणाम प्रभु, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, अपने परम पवित्र रूप के दर्शन दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। देवी गंगा के इस रूप को मेरे सखा श्री कृष्ण ने अपनी कल्पना अपने मन से उत्पन्न किया है, इसीलिए आज से इसे मानसी गंगा के रूप में जाना जाएगा, इसे मानसी गंगा के रूप में जाना जाएगा। वृंदावन में आपका स्वागत है मानसी गंगा। नहीं देवी, मुझे प्रणाम मत कीजिए, आपको तो मुझे आशीर्वाद देना है, नहीं तो मैया के सामने मेरा पेट खुल जाएगा। कैसे संभव है? श्री नारायण चाहे तो सब कुछ संभव है। प्रभु की इच्छा के अनुसार मैं गंगा आज से मानसी गंगा के रूप में यही बहूंगी।
ताकि सारे वृंदावन धाम के वासियों को मेरे जल में स्नान करने का फल मिल सके। श्री नारायण का आशीर्वाद मिलो है, हम स्वयं गंगा मैया का आशीर्वाद मिलो है। चलो सब गंगा मैया का आशीर्वाद ले लेते हैं, अपने पाप धो लेते हैं, पवित्र हो जाते हैं। बहुत हो चुका है, हर बार मैं पराजित नहीं होऊंगा और हर बार उसे विजय नहीं होने दूंगा मैं। दीपावली के शुभ अवसर पे प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए मुझे, मैं धन्य हो गई प्रभु। कल मैंने तुम में महादेव शिव शंकर को देखा और आज प्रभु श्री राम को देख रहा हूं। भक्तों को उसी स्वरूप में दिखाई देता हूँ, वो मुझे देखना चाहते हैं और अपने शत्रुओं को दिखाई देता हूँ मैं भूत सपना के रूप में। उस विष्णु अवतार को अपने मार्ग से हटाने के लिए कर सकता हूं मैं, कुछ भी उसके लिए, चाहे मुझे अपने घोर शत्रुओं से मित्रता भी क्यों ना करनी पड़े, किंतु उस विष्णु अवतार का वध करने के लिए कुछ भी करूंगा मैं। हमारा तो जीवन ही सफल हो गुमैया। सच्ची में कान्हा तू अद्भुत है। केवल अद्भुत ही ना लाली, मेरी मान तो स्वयं नारायण का स्वरूप है कान्हा। मानसिक गंगा के बारे में कान्हा को कैसे पता चलो? क्या जी सच्ची में विशेष है या फिर जैसा कि सब जन कह रहे हैं कहीं सच्ची में जी श्री नारायण का ही स्वरूप तो ना है? संभालिए प्रभु, इससे पहले कि मैया का संदेह बढ़ जाए। मैया बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी लग रही है। वो क्षण में ठीक हो जाएगा लल्ला। मेरा नन्ना। मैया गंगा जी का जल जितना शुद्ध है उतना ही ठंडा ही है। कितना भोला भाला है मेरा कान्हा, और सब कह रही है कि जे श्री नारायण का स्वरूप है। जे कोपे अभी ना कछु भी बोल देती है और मैं भी व्यर्थ में इनकी बातों में आके कछु भी सोचने लगती हूँ। बस बस मैया अब होगो, अब सीधा चलो घर, कोई प्रतीक्षा कर रहा है। पूरा गांव तो यहाँ है लल्ला, फिर घर पे हमारी प्रतीक्षा कौन करेगा?
बोलना, कौन प्रतीक्षा कर रहे हैं? वो ही जिनके लिए आप द्वार खुला छोड़ के आए हो। मैया लक्ष्मी, चलो अब घर चलते हैं। लक्ष्मी पूजन की तैयारी भी करनी है। वृंदावन की हमारी पहली दीपावली है। समृद्धि की देवी का स्वागत इस प्रकार करेंगे कि वो सदा के लिए यहीं बस जाए, यहीं हमारे साथ, हमें छोड़कर कभी न जाए। किसी के मुख पर कोई प्रसन्नता नहीं होगी, कोई त्योहार नहीं मनाया जाएगा वृंदावन में। महाराज, आपके आदेश के अनुसार मैंने संदेश पहुंचा दिया है। पर वो आपका शत्रु है महाराज, वो यहाँ क्यों आएगा? वो आएगा, प्राप्ति अवश्य आएगा, भले ही मुझसे मित्रता करने नहीं, मेरे दुख में सम्मिलित होने नहीं, परंतु मेरी पराजय का उपहास उड़ाने आएगा वो। इस अवसर को अपने हाथों से जाने नहीं देगा वो वकासुर। मैंने कहा था ना प्राप्ति, वो अवश्य आएगा, मेरी पराजय का उपहास उड़ाने आएगा। आ गया वो। महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? शत्रु है वो प्राप्ति, महल में भेंट करने नहीं आएगा, मुझे ही जाना होगा किसी ऐसे स्थान पर जहां उसे ये विश्वास हो जाए कि मैं अकेला हूं, तभी तो मुझे घेरने का प्रयास करेगा वो। चमत्कार ही तो है जी, दीपावली के दिन गंगा मैया के दर्शन हो गए, इससे सुबह क्या हो सकता है? पक्षन, मैंने तो बस यही पक्षन बनाए थे, तुझे लक्ष्मी जी के पक्षन भीतर तक कैसे आ गए? किसने करो जय? इसका अर्थ तो जय है ना कि लक्ष्मी जी सच्ची में हमारे घर पधारी हैं। अच्छा होता जी यदि हम यही होते, उनका स्वागत करते, उनकी पूजा करते, प्रसाद चढ़ाते और उनकी सेवा का सौभाग्य मिल जाता। करो वकासुर, बहुत हुआ ये लुका छिपी का खेल। प्रणाम कंस। छिपे रहकर दूर से ही प्रणाम करोगे? सामने आओ बकासुर। चेतावनी को प्रणाम समझने की भूल केवल तुम ही कर सकते हो कंस। अनगिनत युद्ध करने के बाद भी जिसने पराजय का कड़वा स्वाद न चखा हो, उस अपराजय विजेता का अपमान करने की मूर्खता केवल तुम ही कर सकते हो बकासुर। अपने दिव्य अस्त्रों से किसे भयभीत कर रहे हो कंस?
उसे जिसे संपूर्ण देवता भी मिलकर परास्त नहीं कर पाए थे। समय के साथ तुम्हारी स्मरण शक्ति पर धूल लग गई है बकासुर, भूल गए हो तुम अभी कुछ ही क्षण पहले जिस दिव्य अस्त्रधारी का तुम उपहास उड़ा रहे थे, उसी ने परास्त किया था तुम्हें। उस दिन तुम्हारे प्राण देह के इस बंधन से मुक्त हो जाते यदि तुम्हारी बहन पूतना ने तुम्हारे जीवन दान के लिए विनती न की होती तो। तो यही स्मरण कराने के लिए बुलाया है मुझे? संधि करने के लिए बुलाया है? असंभव है ये। तुम्हारा मित्र वत्सासुर वीर गति को प्राप्त हो चुका है। जानते हो किसने की उसकी हत्या? तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने वाली तुम्हारी बहन पूतना प्राण गवा चुकी है अपने। जानते हो किसने की उसकी हत्या? किसने मारा मेरी बहन को? किसने मारा मेरे मित्रों को? किसने बुलाई है अपनी मृत्यु? उसी ने जो मेरा भी शत्रु है, इसीलिए बुलाया है तुम्हें यहां पर संधि करने के लिए, प्रतिशोध का एक अवसर देने के लिए। तुम नाम बताओ उसका कंस, उस दुष्ट को कच्चा ही निगल जाऊंगा मैं। बोलो कौन है वो? एक बालक है, कृष्ण। कृष्ण किंतु वो एक विष्णु अवतार है बकासुर। किसी का भी अवतार क्यों ना हो, किसी क्षण से मैं हूं उसके काल का अवतार। तुम केवल इतना बताओ कि कहां मिलेगा वो? वृंदावन। वृंदावन कान्हा आजा, पूजा आरंभ करते हैं। नहीं प्रभु। क्या सोच रहे हो लल्ला? आजा। पहले इस राक्षस का सामना करना होगा मुझे, अन्यथा यह शुभ दिन को सबके लिए अशुभ बना देगा। मैया, लक्ष्मी जी की पूजा से पहले सारे घर में दिए जलाकर उनका स्वागत करना चाहिए ना? कितना सयाना होगा मेरा लल्ला। चलो जी दिए जलाएं। आजा। प्रभु मैं कुछ नहीं जानती, कोई भी योजना बनाइए, कोई उपाय निकालिए, पर आप मैया को मनाइए। आप मेरी पूजा नहीं कर सकते, ये शोभा नहीं देगा। पहला दिया जलाएगो लल्ला? हाँ मैया। ले ध्यान से लल्ला। जिस श्वेत रंग का आकाश में क्या गया? सुनो जी,
देखो आपने, ये तो अवश्य ही बहुत अशुभ संकेत है जी। कहाँ है वो, कहाँ है विष्णु अवतार कृष्ण? दिवाली के शुभ दिन अशुभ संकेत की बात करियो मैया, ये तो कयू तीव्र चलने के कारण मुझे है, फिर से चला लेंगे। साधारण दीपक ही तो है ये। ये साधारण ना है लल्ला, दीपावली के दीपों का बहुत विशेष महत्व होता है। तो है भैया, वनवास के बाद जब राम जी लौट कर आ रहे थे तब उनके स्वागत में पूरी अयोध्या में ये दीप जलाए गए थे। दीपावली अमावस्या की रात को पड़ती है और रात का अंधेरा मन के भीतर के उस अंधेरे का प्रतीक होतो है जो बुराई को शक्ति देतो है। ये दीपक का तेल है ना, ये मन के विकारों का प्रतीक है और ये बाती प्रतीक है हमारी आत्मा का। जब अमावस्या की अंधेरी रात में हम जो दीपक जलाते हैं ना, उसका अर्थ ये हो तो है तो जे बाती अर्थात कि हमारी आत्मा भक्ति के ताप में तप कर इस तेल अर्थात हमारे मन के विकारों को जला देती और आत्मा शुद्ध होकर परमात्मा के साथ एक हो जाती और फैल जातो है दसों दिशाओं में अच्छाई, सुख, शांति और ज्ञान का प्रकाश। समझो? साधारण अर्थ में कहते हैं कि दीपावली की रात जो दीपक का प्रकाश होता है ना, वो रावण की बुराई पर राम जी की अच्छाई का, उनकी जीत का प्रतीक होता है। समझ गो मैया, सब समझ गो। आज हम ये सारे दीपक जलाएंगे बाबा, और इसके प्रकाश के कारण कोई भी विकार, कोई भी बुराई वृंदावन में प्रवेश ना कर पाएगी, वृंदावन में प्रवेश ना कर पाएगी। इतना तीव्र प्रकाश, इसके कारण तो कुछ देखना भी कठिन हो गया है, और मुझे इन दीपकों की उष्मा क्यों अनुभव हो रही है, कैसे संभव है ये? आज बुराई पर अच्छाई की विजय की रात है, आज वृंदावन के निकट आने का प्रयास बिना करना वक्कासुर, अन्यथा इन दीपकों की लो तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। इन दीपकों की अग्नि तो सचमुच मुझे जला रही है। सारे देवता भी मिलकर मुझे नहीं रोक पाए थे, इन नन्हे दीपकों में इतना सामर्थ्य कहां जो मेरे पांव को बांध पाए। इन्हें अंधेरा मिटाने वाले साधारण दीपक समझने की भूल मत करो बकासुर, वृंदावन में जलने वाला हर दीपक उस भक्ति का प्रतीक है जिसकी लौ मेरे भक्तों ने अपने हृदय में जला रखी है। भक्ति की
जाओगे तो रावण को भी हारना पड़ा था बकासुर, फिर तुम्हारा तो अस्तित्व क्या है? तो फिर अब मैं भी देखता हूँ ये दीपक कब तक तेरे वृंदावन को मुझसे बचाते हैं। जैसे जे सारे दीपक बुझ गए थे और चारों ओर अंधेरा छा गया था, मुझे लग रहा है अवश्य ही कोई बुरी ऊर्जा है हमारे आसपास। यशोदा, अंधेरे को भूल जाओ, चारों ओर बिखरे इस प्रकाश को देखो, जे मैया लक्ष्मी की उपस्थिति का संकेत, उनका आशीर्वाद हमारे साथ। आप अभी चाहिए हैं देवी? मैं कैसे जा सकती हूँ? यशोमती मैया मेरे दर्शन करना चाहती है, जिनकी इच्छा आप नहीं टाल सकते, उनकी इच्छा का मान मैं ना रखूं, ये तो संभव ही नहीं है। आपने मनाया है ना, स्मरण है ना आपको? मैं आपसे अपनी पूजा नहीं करवा सकती। अब तो दीपक भी जल गए, इससे पहले कि मुहूर्त निकल जाए पूजा आरंभ करते हैं। चल आजा। यदि हमारे आसपास कोई बुरी ऊर्जा ना है और यदि लक्ष्मी जी की कृपा सच्ची में हम पे है, तो जब तक हमारी पूजा समाप्त होगी ना कान्हा, तब तक इस केले के आगे का भाग अपने आप दब जाएगा। कान्हा, ये भी दीपावली की एक प्रथा है, इससे पता चलतो है कि वहां लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी हुई है कि ना। हे लक्ष्मी मैया, हम सबकी पूजा स्वीकार करो, आप हमें आशीर्वाद दें। आपने सही कही थी जी, मैया लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे साथ ही है, सच्ची में हमारे साथ यही है। मैया, मैया लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए जी हमें। हाँ यशोदा, मैया ने हमारी भक्ति स्वीकार कर ली। आजा लल्ला, यहाँ बैठ, पूजा आरंभ कर दे। आजा। प्रभु नहीं, प्रभु क्या कर रहे हैं आप? कोई उपाय निकालिए, मैं आपसे अपनी पूजा नहीं करवा सकती। मैं मानती हूँ कि आप मानव रूप में हैं, पर फिर भी आप हैं तो मेरे स्वामी श्री नारायण के स्वरूप ही। आपसे पूजा करवा कर मैं उल्टी गंगा नहीं बहा सकती। जिन मैया की बात आप नहीं टाल पाए देवी, उनकी आज्ञा का पालन मैं ना करूं, ये कैसे संभव है? इतनी कुचले क्यों हो रहे हो? प्रेम और पूजा में कोई अंतर नहीं होता। मैं कोई भी अवतार क्यों ना ले लूं, मेरा प्रेम तो सदा आपके साथ ही है। तो फिर मैं आपकी पूजा करूं या आप मेरी, इसे क्या अंतर पड़ता है? और
छोड़ जगत की परिपाटी और छोड़ पुरुष अभिमान, अर्धांगिनी का पूजन कर प्रभु रच रहे नया विधान। इस अवतार में मुझे आपका साथ कब मिलेगा प्रभु? विदर्भ के राजा विष्णु की पुत्री रुक्मिणी के रूप में शीघ्र ही आपका जन्म होगा। पर हमारे मिलन के लिए आपको थोड़ी लंबी प्रतीक्षा करनी होगी देवी, क्योंकि उसके पहले मुझे अपने अन्य दायित्व निभाने हैं और कंस के राक्षसों का सामना भी तो करना है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। सच्ची में आज बहुत ही शुभ दिन है। हाँ यशोदा, मुझे भी अब विश्वास हो गया कि अब से सुख और समृद्धि ही हमारे वृंदावन का भाग्य बनेगी। इन दीपकों का प्रकाश सैकड़ों सूर्यों की भांति चुभ रहा है मुझे।